कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। आपने कह तो दिया, इसका जवाब नहीं मांग रही हूँ। मियां मजनू जेल खाने में रत्ना जी, इन बातों का जवाब हो भी नहीं सकता है, लेकिन दो पंक्तियां दे रहा हूं। कि मोहब्बत आसा है, मोहब्बत आसा है कहते हैं इस जमाने में, लोग करते भी हैं और क्या। मोहब्बत आसा है कहते हैं इस जमाने में, पसीने छूट जाते हैं उसे निभाने। करना आसान है और क्या, लेकिन निभाना बहुत मुश्किल काम है। तो है ही, हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। बड़ी चतुराई से गीत में जो काम आपने दिया है रत्ना जी, एक तो आपके गीत में पत्थर है, शुरुआत में आपने ही जिस पहल किए पत्थर फेंकने की और क्या, लेकिन हम पत्थर नहीं फेंकेंगे। मैं जवाब कहां से दे रहा हूं, ये श्री शिव दुर्गा शुक्ला जी सेमरी चौराहा रायबरेली यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा लालगंज आपके द्वारा एक क्या बात है, बहुत सुंदर। और एक से एक चुनाव का ये बहुमूल्य पुरस्कार श्री देवी शंकर दीक्षित जी वाजपेयी को आपके द्वारा प्रदान है। बहुत बढ़िया गीत आप लाई हैं, कोशिश कर रहा हूँ कि जो विशेषताएं आपके गीत में आ रही हैं उनको भी छुआ जाए और आपका पूरा गीत त्रेता युग से चल रहा है। पहला जवाब, पहला प्रयास देखिए गीत दिया आपने, कि बना पत्थर का भव्य मंदिर किसी जमाने में, आज भी बनते हैं, किसी जमाने में बनते थे और आज भी बनते हैं। बना पत्थर का भव्य मंदिर किसी जमाने में, हंसी पत्थर की, हंसी पत्थर की मूरत किसी जमाने में, कहां से जवाब दिया जाए, सोचो सोचो। कल्पना जी कोशिश देखेगा, मुझे क्या मिला, कहीं पत्थर पर फूलों को खिलते देखा है, कहीं पत्थर पर फूलों को खिलते देखा है, जहाँ एक एक पानी तक की व्यवस्था ना हो वहां भी खिल जाते हैं फूल, कहीं फूलों को कांटों में पलते देखा है। क्या बात है, कहीं कांटों के बीच में फूलों को मुस्कुराते हुए देखा, रंग फूलों का निराला बनी फूलों की माला। क्या बात है, क्या बात है, फूलों की
यही माला थी जो माता जानकी ने चढ़ाई माता गौरी को, लेकिन माला नीचे गिर गई, माला गिर गई, तब खसी माल मूर्त मुस्कान। ये बात समझो, रंग फूलों का निराला बनी फूलों की माला, कहीं पर देह फूल है कहीं पर देह फूल है, फूल गंगा में डाला, फूल गंगा में डाला, फूल गंगा में डाला। कल्पना जी, शरीर जलकर राख हो जाता है, फूल लेकर के लोग प्रयाग चले जाते हैं, इसलिए लिखा गया सोचो कि कहीं पर देह फूल है, फूल गंगा में डाला, कि बहुत मुश्किल होती है फेंकना, तो आसान है, बहुत मुश्किल होती है फूल एक खिलाने में, खिले हैं फूल, खिले हैं फूल रोने हंसने से किसी जमाने, रोने से भी फूल खिले और हंसने से भी फूल खिले। एक नारी जब रोती थी तब भी फूल खिलते थे, जब हंसती थी तब भी फूल खिलते थे। ये बात एक प्रयाव देखिए, कुछ कथानक आपने जोड़े, प्रयास कर रहा हूं। भगवान भोलेनाथ की समाधि लगी है, समाधि का भंग होना भी जरूरी है, कारण अगर भोलेनाथ का विवाह नहीं हुआ तो उनके पुत्र कैसे होगा, अगर पुत्र नहीं होगा तो तारकासुर मारा कैसे जाएगा। कामदेव को भेज दिया देवताओं ने कि जाओ भगवान भोलेनाथ की समाधि भंग करो। कामदेव ने फूलों के बाण भगवान भोलेनाथ पर चलाए, वहीं से टुकड़ा दे कि फूल के बाण भी चलते हैं शंभु शंकर पर, कामदेव ने फूलों के बाण चलाए, उधर हंसी माल मूर्त मुस्कानी। अगर माता जी सीता जी जानकी जी की मुलाकात प्रभु राम से कैसे हो रही है, कारण था उस पुष्प वाटिका में गुरु विश्वामित्र के आदेशानुसार फूल लेने को, फूल लेने को तो फूल भेजते गुरुवर, फूल लेने को तो फूल भेजते गुरुवर, फूल ने फूल देखा, फूल ने फूल देखा, फूल की बनी है रेखा, फूल से फूल मिला तो फूल है विधि का लेखा, फूल है विधि का लेखा, फूल है विधि का लेखा।
जो माल खसी जो माल तो है राज मुस्कुराने में। लोग विषय गाते हैं कि खसी माल मूर्ख मुस्कानी, आखिर मूर्ति क्यों मुस्कुराई जब माता जानकी ने फूलों की माला माता गौरी को पहनानी चाहिए तो वो माला नीचे गिर गई। माता गौरी ने भी चाहा ये माला हम जानकी को दे दे, जानकी को पहना दे, लेकिन पहना नहीं पाई। उसका कारण था कि एक बार केवल सीता का रूप बनाया, भोलेनाथ ने मुझे त्याग दिया। सीता के हृदय में राम का वास है, अगर ये माला इनके गले में पड़ी तो प्रभु राम के गले में भी पड़ जाएगी, इसलिए माला नीचे गिर गई। कि खसी जो माल तो है राज मुस्कुराने में, मिले हैं फूल भी एक रोज इस जमाने। अंतिम पंक्तियां जोड़ता हूं, एक फ्लावर देखो, ये बात ये हिमाचल मंत्र दान, हिमाचल प्रदेश ये शुभम मौर्य जी, मुकेश मौर्य जी, सोनू भैया, पिंटू भैया, शंकर भैया, धीरेन्द्र भैया और हमारे दीपक यादव जी, क्या बात है, आप सभी की तरफ से 300 मुद्राओं का पुरस्कार प्राप्त हो रहा है। बाबा की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, करता हूँ। जय हो, जय हो बाबा। श्री शिवाकांत शर्मा जी बेटा सुमारी उन्नाव, आपके द्वारा एक से एक मुद्राएं प्राप्त हो रही है। जब आपकी इन पंक्तियों पर अंतिम पंक्तियां सुनिएगा, जब माता जानकी प्रभु राम का विवाह हुआ, देवताओं ने फूलों की बरसात कर दी, पुष्प बरसाए ऐसा प्रमाण मिलता है। और एक बार प्रभु राम ने सोचा कि चलो माता दुर्गा का पूजन किया जाए, तभी से चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ हुआ। नौ तिथियों में प्रभु राम ने माता दुर्गा का पूजन किया और सोचा कि माँ की पूजा में 1000 कमल के फूलों को चढ़ा करके करूं। माता ने एक फूल ओझल कर दिया उनकी परीक्षा लेने के लिए, तब प्रभु राम ने अपना नेत्र ही चढ़ा देना चाहा। कल्पना जी सुनिए जवाब, कि फूल बरसे है आकाश से भूमंडल पर, फूल बरसे है आकाश से भूमंडल पर, फूल से दुर्गा का हो पूजन सोचते रघुबर, फूल से दुर्गा का हो पूजन सोचते रघुबर। फूल उर्सूल हुआ है, एक कम फूल हुआ है, एक फूल माता दुर्गा ने छिपा दिया। फूल उर्सूल हुआ है, एक कम फूल हुआ है, कमल लोचन का लोचन, कमल का फूल हुआ है, कमल का फूल हुआ है, फूल हुआ है। दिया आशीष फूल, लोग सब
खा के सुमन भी चढ़ा देते हैं। कल्पना जी अंतिम पंक्तियां जोड़ रहा हूँ। दिया आशीष फूल, दिया आशीष फूल, तब तो दुर्गा माता ने और मिले हैं फूल, खिले हैं फूल, हिले हैं फूल, और अब के मिले हैं फूल बिना पाग इस जमाने।